हाय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज मैं कुछ DLED से संबंधित बुक का कुछ शॉर्ट में बुक का रिव्यू कर रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी जो कुछ मटेरियल की तलाश में हैं, इस प्रकार का तैयारी कर रहे हैं, DLED का तैयारी कर रहे हैं, वे आप कुछ मार्गदर्शन या इस प्रकार के बुक के बारे में आप कुछ जानकारी ले सकते हैं। देखिए इन बुकों के बारे में, और मैं ज़्यादा इस बुक के बारे में डिटेल्स तो मैंने अध्ययन नहीं किया हूँ, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ कि ये बहुत ये जो बुक है शिक्षण प्रशिक्षण गाइड है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएलएड करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत कारगर इस प्रकार का मटेरियल हो सकता है। सारे टॉपिक का देखिए, टॉपिक वाइज मटेरियल कलेक्शन करके बना दिया गया है। आप इस प्रकार का बुकलेट में आप लेके तैयारी कर सकते हैं, मटेरियल एक ही जगह मिल जाता है, ये काफ़ी मटेरियल है। तो ये सब आप देखिए, ये प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश में हम ये सारे बुक है, इन सारे बुकों का मैं थोड़ा रिव्यू करूँगा। तो ये देखिए प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, ये इस बुक में इंग्लिश के बारे में दिया गया है। आप कुछ देखिए इसमें कंटेंट्स के बारे में कि इंग्लिश इसमें बताया गया है कि इंग्लिश का स्थान आज के दुनिया में क्या है, आज के पढ़ाई में टीचर के लिए या हमारे राज्यों में या देश में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंग्लिश का क्या महत्व है, ये सब चीज़ के बारे में दिया गया। इंग्लिश का पढ़ाई में क्या महत्व है, पढ़ने के लिए क्या महत्व है, मतलब इंग्लिश के बारे में बहुत सारा जानकारी दिया गया। तो अपने आप में बहुत ये बुक इंफॉर्मेटिव है ये सारा बुक, लेकिन इस बुक के बारे में देखिए इसमें बहुत सारे मटेरियल दिया गया, ये सारा बहुत सारा मटेरियल उपयोगी है, नॉलेज को बढ़ाता ही है, लेकिन ये सारा तैयारी का आधार नहीं होना चाहिए। इंग्लिश का जो तैयारी है ये इस प्रकार का बुक तैयारी का आधार नहीं हो सकता है, और आपको उतना ज्ञान आपको नहीं आप उतना सृजन कर सकते हैं या आपको उतना ज्ञान नहीं हो सकता है जितना ज्ञान से आप इस प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सही समय सारा क्वेश्चन आप समय के अंदर बना सकें, या अंग्रेजी विषय से संबंधित सही मार्गदर्शन और आपका अनुभव और आपका ज्ञान नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको केस स्टडी करना होगा, समझना बूझना होगा, और आपको एक यात्रा पे निकलना होगा, दुनिया को अपने आँखों से देखना होगा, अपने इंद्रियों से उसे एहसास करना समझना होगा, और फिर इस चीज़ को आपको समझ के उस कॉन्सेप्ट को इन सारे मटेरियल के साथ आप सरोकार जब आप करेंगे और सही मार्गदर्शन होगा, तभी आप इंग्लिश के साथ न्याय कर पाएंगे, और उस स्तर का ज्ञान ही आपको तब अंत तक कामयाबी दिला सकता है। बहरहाल आपको जानकारी बढ़ाने में बहुत योगदान करेगा ये बुक, अपने आप में अच्छा है और देख लीजिए अच्छा है। और अगर आप DLED हमारे एरिया में, अगर हमारे संपूर्ण भारत बिहार झारखंड के या भारत के किसी कोने के विद्यार्थी हैं, आप DLED की तैयारी कर रहे हैं, टीचर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और इंग्लिश में किसी भी प्रकार का समस्या, इंग्लिश इस प्रकार का बुक पढ़ने के बाद भी आप इंग्लिश के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, इंग्लिश को करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमारे पीपल वेलफेयर फाउंडेशन से संपर्क कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट सहायता लेने के लिए। और हमारे कमर्शियल इंस्टीट्यूट AK स्टडी सेंटर जो हमारे लोकल एरिया चित्रा से भी संपर्क कर सकते हैं, या आप सही सलाह लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप अपना प्रश्न लिख के भेज सकते हैं, नंबर है 9546467676। और आपको इंग्लिश कॉम्पिटिटिव इस प्रकार के कॉम्पिटिशन के स्तर पर आप अपने नॉलेज को सही समय पर नहीं पहुंचा पा रहे हैं या इंग्लिश को उस स्तर पर पहुंचाने में आपको कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, आपका लग रहा है कि उतना मेमोरी आपका डेवलप नहीं हो पा रहा है कि सारे ज्ञान को आप आत्मसात कर ले, सारे बात को पढ़ ले, याद कर ले, सारा जानकारी हो जाए, एक्सप्रेस कर पाए, तो आप हमारे संस्थान से बिल्कुल संपर्क करें, स्टडी सेंटर, हम आपको विश्व स्तरीय ज्ञान देंगे, विश्व स्तरीय ज्ञान टेक्निक के माध्यम से आपको चैनलाइज करेंगे, आपको एनर्जी किस प्रकार से आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे, और टाइम मैनेजमेंट करना सीखेंगे, स्पीड विजुअलाइजेशन प्रोसेस के माध्यम से, मेमोरी टेक्निक के माध्यम से आपको कंप्रेस करके बहुत ही कम समय में इस विषय पर कमांड आपको करने के लिए बता दिया जाएगा। इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं AK स्टडी सेंटर लोकल एरियाज में, और आप फ़ोन के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन
क्लासेस जब शुरू होगा तो उसके माध्यम से भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। बहरहाल ऑनलाइन क्लासेस भी हमारे संस्थान में एक साल के अंदर एक अलग तरीके से शुरू होने वाला है और उसके लिए हम लोग तैयारी भी कर रहे हैं। एक यूनिक तरीके से ही ऑनलाइन क्लासेस होगा, जो अभी तक वर्तमान में ऑनलाइन क्लासेस तैयारी हो रहा है तो एक यूनिक एक्सपीरियंस होगा, टू वे इंटरेक्शन के आधार पर आधारित। फिलहाल उस पर मैं अभी नहीं बोलना चाहूँगा, ये हमारा विज़न है। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये शिक्षक प्रशिक्षण गाइड कला समेकित शिक्षा, तो इसमें भी आर्ट, आर्किटेक्चर वगैरह, कला, म्यूजिक, संगीत से संबंधित बहुत सारे बातें हैं, बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगा। तो तैयारी करने में एक बहुत सारा अच्छा है, हेल्प मार्गदर्शन मिलेगा, बुक आप ले सकते हैं। लेकिन फिर इसमें भी वही बात है कि आपको विषय वस्तु के साथ न्याय करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट के तरीके से इस विषय में आपको जीना होगा। इस विषय के साथ आपको सरोकार एक नेचुरल इंटरेस्ट आपको डेवलप करना होगा और उसके बाद इस किताब पर आएंगे, तभी आप ये किताब आत्मसात होगा। और इस किताब से संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न है एग्जामिनेशन हॉल में समय के अंतर्गत, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे और सही सॉल्व कर पाएंगे, जो अंततः को सफलता देगा। गणित का शिक्षा शास्त्र 1 प्रथम स्तर, ये DLED में गणित के बारे में दिया गया है कि गणित ये क्या है, नहीं है ज्ञान, गणित का क्या महत्व है मानव जीवन में। और गणित देखिए सामान्यता है कि ये भी एक तैयारी का आधार है, लेकिन ये जो है मूलभूत आधार नहीं है। मूलभूत आधार वही है, आप एक बार बेसिक बेस को ठीक करें, गणित को 10 स्तर का बेस को आप ठीक करें, और उसको ठीक करने के बाद कॉम्पिटेटिव स्तर की अरिथमेटिक को भी आप ठीक कर लें, बस उतना ही आपको ज्ञान, आपके समान ज्ञान गणित का आपके लिए काफ़ी होगा इस प्रकार का DLED और या कोई भी जनरल कॉम्पिटिशन निकालने के लिए। और आप ज़्यादा ऑब्सेसिव ना हो, केवल गणित को आप पढ़ने के अलावा विजुलाइज कीजिए, इसका फिगर में चलचित्र में देखिए, इसके साथ महसूस कीजिए और माइंड का इस्तेमाल कीजिए। कैलकुलेटर का ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिए और चिंतन मनन का और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। प्रैक्टिस सेट भी बना सकते हैं, डिस्कस भी कर सकते हैं, और इस तरह से माइंड का ज़्यादा जितना यूटिलाइज करेंगे गणित आपको उतना ही अच्छा होता जाएगा। यूँ कहे गणित से भी आपको मैथ लवर होना पड़ेगा, गणित से प्रेम करना होगा, तभी गणित आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। गणित प्रैक्टिस का चीज़ है और गणित आसान भी है आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो। फिर ये शिक्षा में सूचना एवं संचार क्रांति, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का महत्व, IT से संबंधित ये टॉपिक का बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ये भी आप इसको भी आप अच्छा तरीके से आप इंटरनेट वगैरह माध्यम से और कॉन्सेप्ट खुद ही जो है देखे समझे बूझे और जानकारी का कॉन्सेप्ट को डेवलप करें। इस बुक को तैयारी का आधार ना बनाएं, हाँ एक मार्गदर्शक बुक बना सकते हैं। ये शिक्षक प्रशिक्षण गाइड का समाज, शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ, मतलब ये सोशोलॉजी और एडुकेशन का भी समाज, इसमें भी आपको कॉन्सेप्चुअल डेवलप करना पड़ेगा, इसमें आपको केस स्टडी करना पड़ेगा, समाज के साथ सरोकार, समाज को महसूस करना, एहसास करना होगा, पहले देश दुनिया घूम के तभी आप इस पर जस्टिफाई कर पाएंगे। अन्यथा ये किताब भी अपने आप में मटेरियल कम समय में रिवीजन करने के लिए, एग्ज़ाम के समय या कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन को हल करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी का शिक्षण शास्त्र कुछ नहीं, आप सामान्य हिंदी को आप ठीक कर रहे हैं, मेट्रिकुलेशन स्तर के स्तर पर काफ़ी है। पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा शास्त्र ये भी है, अपने आसपास के पर्यावरण को समझे बूझे और समान ज्ञान डेवलप करें, उसी के बाद में थोड़ा सार संग्रह जानकारी है इसमें। इसमें इन्वायरमेंट के ऊपर ज़्यादा ऑब्सेसिव होने का ज़रूरत नहीं है। बचपन और बाल विकास ये सारे बातों को दिया है, इसमें भी आपको ऑब्जर्व करना होगा, आपको नज़दीक से आपको समय प्रैक्टिकल बच्चों के साथ रहना, उसको ऑब्जर्व करना, उसके लर्निंग हैबिट को साइकोलॉजी को समझना बूझना, और तभी आप इस प्रकार के स्किल को बेहतर डेवलप कर सकते हैं और इस बात को समझ सकते हैं। केवल किताब रट्टू मल बनने से, रट्टू विद्यार्थी बनने से इस पर न्याय नहीं होगा, सारा क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। शिक्षा में जेंडर एवं समाज से परिवेश, ये जेंडर बेसिस और समावेशी परिवेश, समावेशी परिवेश के बारे में भी आप इसमें बहुत सारा जानकारी मिलेगा, ये आप भी इसको भी आप ऑब्जर्व करें आसपास, खुद ही बाहर निकल के स्टडी करें और समझ विकसित करें, फिर इस बुक को देखें। भाषा के समझ और आरंभिक भाषा विकास, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, किस प्रकार से भाषा का विकास हुआ, तो ये सारा इन सारे भाषाओं के जड़ भी इतिहास में है। ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो ज़्यादा इसका
समझ होगा, अन्यथा ये बुक भी बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव है, बहुत सारा आपको मिल सकता है जानकारी। चलिए देखिए, शिक्षक पात्रता गाइड में जो है विद्यालय संस्कृति परिवर्तन और शिक्षा शिक्षक विकास ये सब भी जानकारी है। इसमें आप केस स्टडी करें, स्कूल वगैरह में आप पढ़ाने के लिए जाएंगे जब ट्रेनिंग में, तो काफ़ी इसका समझ विकसित होगा। इस प्रकार से ज़्यादा ऑब्जर्व करके ज़्यादा समझ विकसित कर सकते हैं, लेकिन किताब से भी बहुत सारा जानकारी हासिल कर सकते हैं, जिसमें आप एग्जामिनेशन को क्वालीफाई करने में सहयोग हो। और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के बारे में है, बच्चे को नरिश करने के बारे में, तो ये सब भी बहुत सारा जानकारी मिल सकता है। अंततः इतने सारे बुक सारे बुकलेट्स को ये DLED का जो बुक है इनको रिव्यू करने के बाद हम डिस्कस पहुँचते हैं कि ये सारे बुक का ओरिजिन कहीं और नहीं है, ये सारे बुक भी है इतिहास का ही पार्ट है। ये सारे बुक का मटेरियल हमारे इतिहास में मिल जाता है। अगर आप गंभीर पाठक हैं, गंभीर प्रवृत्ति के विद्यार्थी हैं इतिहास को पढ़ने के लिए, या इतिहास में आपको अपार रुचि है, इतिहास को समझ चुके हैं, तो आपको पता चलेगा ये सारा बुक आपको इतिहास मटेरियल इतिहास से ही लिया गया है। चूँकि मैं हिस्ट्री में PhD कर रहा हूँ, एक PhD का स्टूडेंट होने के नाते, और PhD मैं कर रहा हूँ, डिग्री में तो मैं पीछे हूँ, लेकिन मैंने लगभग भारतवर्ष के लगभग बहुत मैं यूनिक नहीं कहूँगा सारा, बल्कि लगभग सारा बुक मैंने इतिहास का पढ़ लिया है। और यह सारा इस स्तर MA स्तर PhD स्तर के भी बहुत सारे बुक को पढ़ने के बाद मैं जानता हूँ कि ये सारा मटेरियल उसी लाइन उसी बातों को छोड़कर सारा का सारा मटेरियल हिस्ट्री का ही है। तो हिस्ट्री को अगर गंभीरतापूर्वक जो अध्ययन किए हैं उसके लिए इन सारे बुकों को कोई भी बुक को पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। इसलिए कहा भी गया, हिस्ट्री इज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स एंड विदाउट पॉलिटिक्स देयर इज नो फ्रूट्स एंड विदाउट हिस्ट्री देयर इज नो रूट। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ बने रहने के लिए। और आप में से जो विद्यार्थी जो BEd कर लिए हैं, DLED कर लिए हैं, BEd कर रहे हैं, DLED कर रहे हैं, या टीचर बनना चाहते हैं, टीचिंग का तैयारी कर रहे हैं, तो आप BEd का तैयारी करना चाहते हैं, BEd के इंग्लिश सोशल साइंस या BEd का संपूर्ण कोर्स तैयारी कर रहे हैं, अगर इसमें आप टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, एडवांस क्लासेस आप चाह रहे हैं और कम समय में आपका संपूर्ण तैयारी के लिए मार्गदर्शन चाह रहे हैं, तो हमारे YouTube चैनल में समय समय में आने वाले वीडियो को भी देखते रहें, और उसके साथ हमारे लोकल शैक्षणिक संस्थान कमर्शियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से भी संपर्क कर सकते हैं, HA स्टडी सेंटर से, और भी कोई जानकारी चाहें तो हमारे WhatsApp के माध्यम से भी आप WhatsApp कर सकते हैं, मार्गदर्शन आपको मिल जाएगा सही मार्गदर्शन। अब आगे नेक्स्ट वीडियो के लिए और एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच। आई एम अशोक कुमार शर्मा, द चेयरमैन ऑफ पीपल वेलफेयर फाउंडेशन एंड द डायरेक्टर ऑफ AK स्टडी सेंटर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।